नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत की किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल बिना कस्टर्ड पाउडर के कस्टर्ड की रेसिपी। ये वाली रेसिपी जो डाइट कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, ये वाली रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी है। जिनको शुगर है ये वाली रेसिपी वो भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं वो भी बिना गैस जलाए। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बिना कस्टर्ड पाउडर के फ्रूट वाला कस्टर्ड बना रहे हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जितने बादाम और काजू को गर्म पानी में भिगो कर ले लिया है। आप चाहें तो इसके आधा कप भी ले सकते हैं। मिक्स में यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रूट ले लिए हैं। आप फ्रूट अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हनी ले ली है। आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट में यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 केले, 1 एप्पल ले लिया है, 1 चीकू लिया है और 1 अनार लिया है। तो चलिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। अब जो मैंने ये ड्राई फ्रूट भिगो कर ले लिया था गर्म पानी में, सबसे पहले जो ये बादाम है इसके छिलके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बादाम के छिलकों को अच्छे से निकाल लिया है। बादाम के छिलके हटाने के बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। जो ये ड्राई फ्रूट है अब मिक्सर जार में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट को हम स्मूथली पीस लेंगे। काजू और बादाम की यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के ले ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रूट को काट लेंगे। अनार के दाने यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं। अब एप्पल को भी अच्छे से काट लेंगे। एप्पल को काटने के बाद इस चीकू को भी काट लेंगे। सारे फ्रूट को यहाँ पर मैंने काट लिया है। आप अपने हिसाब से पीसेस छोटे बड़े काट सकते हैं। अब फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट की पेस्ट बना के रखी थी वो डाल देंगे। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की पेस्ट मिक्सर जार में लग गई थी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब ये भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट की पेस्ट डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जितनी हनी डाल देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। सबसे पहले ड्राई फ्रूट की पेस्ट और हनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट की पेस्ट और हनी को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमने फ्रूट काट के रखे थे इसमें डाल देंगे। सबसे पहले अनार डाल देंगे। अब इसमें बाकी के फ्रूट भी डाल देंगे। सारे फ्रूट यहाँ पर मैंने डाल दिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। और आप इसे व्रत में या तो डाइट में ये खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।